हाय फ्रेंड्स, आराध्या की रसोई में आप सबका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ काजू छेना गुजिया। इसे आप किसी भी स्पेशल ओकेजन में बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए आज हम लोग बनाते हैं काजू छेना गुजिया। ये गुजिया बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम काजू लिया है, एक छोटी चम्मच इलायची पाउडर है, घी लिया है मैंने थोड़ा, और एक कप चीनी लिया है, और ये दूध है, 2 किलो दूध है ये मेरा, और ये नॉर्मल गाय का दूध है। आप कोई भी दूध यूज़ कर सकते हैं, फुल क्रीम या कोई सा भी। तो सबसे पहले हम दूध को उबालने के लिए चढ़ा देते हैं। ये दूध मैंने उबालने के लिए चढ़ा दिया है। अब जब तक दूध उबल रहा है तब तक हम काजू अपना पीस के तैयार कर लेते हैं। ये मैंने पीस लिया है, अब मैं इसको थोड़ी देर साइड में रख देती हूँ। और इधर मेरा ये दूध देखिए एकदम उबल गया है, ये फट गया है अच्छे से। इसको थोड़ा सा दो तीन मिनट और इसको उबाल लेती हूँ मैं, एकदम पानी और छेना दोनों अलग हो जाएगा। फ्रेंड्स, काजू जब पीसेंगे तो उस टाइम पे एक बात का ध्यान रखना है कि उसको एकदम लगातार बहुत देर तक नहीं चलाना है, थोड़ा रुक रुक के चलाएंगे, क्योंकि नहीं तो वो गर्म हो जाएगा तो उसमें से उसका ऑयल रिलीज हो जाएगा, इसलिए थोड़ा रुक रुक के उसको पीस ले। ये दूध में से पानी और छेना एकदम अलग होने लगा है। अब मैं इसका गैस का फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और इसमें से मैं आधा पानी, इसका छेना का पानी जो है आधा निकाल के हटा दूँगी। अगर आप चाहें तो इसका पूरा पानी हटा के इसको फिर इसको फ्राई करके हल्का सा थोड़ा सा काजू या बादाम, मतलब ड्राई फ्रूट्स के साथ इसको फ्राई करके भी इसका स्टफिंग तैयार कर सकते हैं। मैं इसको ऐसे ही बना रही हूँ, मुझे ऐसे ही ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़ा सा ऐसे पका लेने से थोड़ा अंदर से जूसी रहता है वो। ये देखिए इतना पानी मैंने इसमें छोड़ा है, अब मैं इसको धीरे धीरे मीडियम फ्लेम पर इसको पका लूँगी चीनी डाल के। इसमें इसको सुखाने में कम से कम 15 मिनट मेरे को लगेंगे। चीनी डाल देती हूँ मैं इसमें, चीनी थोड़ा हल्का ही डालूँगी, 4 चम्मच मैंने यहाँ पे चीनी डाला है। अब इसको अच्छे से इसको पका के इसको सुखा देंगे एकदम इसका पानी। ये देखिए ये सूख गया है पानी, हल्का हल्का इसमें है। अब ये यहाँ पे मैंने 4 चम्मच मिल्क पाउडर लिया है, इसको डाल देंगे और अच्छे से मिला देंगे। इलायची पाउडर डाल दिया मैंने, अब इसको मिल्क पाउडर डालने के बाद इसको 5 से 7 मिनट तक हाई फ्लेम पे ही मैं इसको अच्छे से चला के इसको फ्राई कर लूँगी। ये देखिए ये हो गया है, मैं इसको अब निकाल लेती हूँ एक बर्तन में। ये निकाल लिया मैंने, अब मैं इधर चाशनी बना के तैयार कर लेती हूँ। ये मैंने चीनी लिया है, 1 कप से थोड़ा सा कम है, और इतना ही पानी इसमें डालूँगी मैं। अब इसको अच्छे से पका लेंगे, इसकी चाशनी बना लेनी है हमको, एक तार की चाशनी बना लेनी है। ये चाशनी मेरी बन गई है, एक बार चेक कर लेते हैं। ये चाशनी तैयार हो गई है मेरी। अब इसमें जो काजू वाला हमने पाउडर बना के रखा हुआ है वो इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसको मिला देंगे। इसको अच्छे से मिलाएंगे।
इसको अच्छे से मिला के उसको जब तक मिलाएंगे जब तक कि वो एकदम एक साथ नहीं हो जाए, एकदम डो जैसा हम लोग का तैयार हो जाए, तब तक हम इसको मिलाएंगे एकदम अच्छे से बढ़िया से चला के। ये देखिए ऐसा हमको चाहिए, ये हो गया है। मैं इसको अब निकाल के इसको ठंडा कर लेंगे। इसको ये निकाल लिया है, अब मैं इसको हल्का ठंडा कर लूँगी, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। ये देखिए हल्का ठंडा मेरा हो गया है। अब मैंने ये एक पॉलीथीन लिया है, इसमें मैं हल्का सा घी इसमें लगा लूँगी। अब ये डो इसमें निकाल के मैं इसी पॉलीथीन की हेल्प से इसको मैं एकदम अच्छे से इसको मसल के एकदम मुलायम इसको कर लेना है। इसको हल्का गर्म रहेगा ये तभी करना है, ठंडा हो जाएगा तो फिर नहीं हो पाएगा। एकदम बढ़िया चिकना करना है, एकदम अच्छे से एक्सरसाइज करनी है अभी। देखिए एकदम अच्छे से मल लें इसको। यहाँ पे कम से कम 10-12 मिनट कम से कम मेहनत करनी होगी इस पे, ये तभी होता है। ये हो गया है, अभी मैं इसको बेल लेती हूँ, हल्के हाथ से इसको बेल लेंगे। ये मैंने इसको बेल लिया है, एकदम राउंड तो नहीं हुआ है, देखिए। अब ये मैंने एक गिलास लिया है, इससे हम छोटी छोटी पूड़ियाँ इसकी काट कर तैयार कर लेंगे। मैंने गिलास से किया है, आपके पास कटर है तो आप कटर से कर सकते हैं, या कोई कटोरी से, किसी से भी आप इसको कट कर लीजिए। और अगर आप चाहें तो आप अलग अलग पूड़ी भी बेल के बना सकते हैं। अब एक पूड़ी हम लेंगे इसमें से, और इसमें अपना जो मिक्सर हमने तैयार किया था छेना वाला, वो उसको इस तरह से थोड़ा सा इसमें डाल के इस तरह से इसको दोनों तरफ से पकड़ के इसको चिपका देंगे। आप इसको गुजिया मेकर से भी बना सकते हैं। ये देखिए, और आपको अगर डिज़ाइन बनाना अगर आता है तो आप डिज़ाइन भी इस पे बना सकते हैं। मुझे डिज़ाइन बनाना आता नहीं अच्छा, तो मैंने इसलिए ऐसे ही बना रही हूँ इसको। ये मैं अब सारा इसी तरह से बना के तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने सारा बना लिया है, बहुत बढ़िया गुजिया बनी है। आप लोग भी एक बार ज़रूर बना के देखिए, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा, आपके परिवार वालों को ज़रूर पसंद आएगा। आप लोग बनाइए, खाइए इसको आप किसी भी त्यौहार। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।